नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं iOS के बारे में। यहाँ पर हम पोको फोन डिवाइस के ऊपर iOS 13.0 मीपा एडिशन को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी कस्टम नाम को फ्लैश करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके डिवाइस के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है आपके डिवाइस के ऊपर, उसका बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टम नाम को इंस्टॉल करने के दौरान जो है इंटरनल स्टोरेज जो है डिलीट हो सकता है। इसलिए मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। यहाँ पर अभी फिलहाल हमने यहाँ पर पोको फोन डिवाइस के ऊपर लेस यूएसबी कस्टम नाम को इंस्टॉल किया है, एंड यहाँ पर लेस यूएसबी कस्टम नाम का जो फुल रिव्यू का जो वीडियो है ऑलरेडी हमने अपलोड किया है। सिंपली पोको फोन का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। कोई भी कस्टम नाम को फ्लैश करने से पहले आपके डिवाइस के ऊपर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पर TWRP रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ जो इस रॉम को फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली कस्टम रिकवरी को बूट करने के लिए यहाँ पर पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ लॉन्ग प्रेस करना होगा। उसके बाद आपका जो डिवाइस है कस्टम रिकवरी के साथ बूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जल्दी से कस्टम रिकवरी को बूट करते हैं। यहाँ पर पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को लॉन्ग प्रेस करने के बाद जो कस्टम रिकवरी यहाँ पर जो बूट हो गया है। यहाँ पर हम ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को यूज करने वाले हैं। यहाँ पर TWRP रिकवरी के साथ भी सिमिलर स्टेप को फॉलो करना होगा। यहाँ पर जो कस्टम रिकवरी को बूट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बैकअप में जाके कार्डिन रॉम का बैकअप क्रिएट करना होगा। बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है, बाद में अगर आप चाहो तो रीस्टोर भी कर सकते हो। बैकअप क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो वाइप में जाना होगा। वाइप में जाने के बाद एडवांस वाइप में जाके डेल्बिक डेटा कैश है तीन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। यहाँ पर वाइप होने में कुछ ही सेकंड टाइम लगता है। वाइप होने के बाद सिंपली बैक आके यहाँ पर जो अगर आप चाहो तो फॉर्मेट डेटा कर सकते हो। फॉर्मेट डेटा करने से जो रॉम जो है 100% बूट हो जाएगा। अगर आपके डिवाइस के ऊपर रॉम इंस्टॉल करने के बाद बूट नहीं हो रहा तो आपको सिंपली बच्चे फॉर्मेट डेटा करना होगा। फॉर्मेट डेटा करने से इंटरनल स्टोरेज जो है डिलीट हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला था मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। सिंपली फॉर्मेट डेटा में जाके यस टाइप करना होगा। उसके बाद जो है फॉर्मेट डेटा का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेट डेटा जो है कंप्लीट हो गया है। फॉर्मेट डेटा कंप्लीट होने के बाद सिंपली बैक आके यहाँ पर थ्री डॉट में टैप करके रिबूट में टैप करके रिकवरी को फिर से रिबूट करना होगा। तो यहाँ पर जो है रिबूट टू रिकवरी का जो ऑप्शन है उस पर टैप करने के बाद रिकवरी जो है फिर से रिबूट होगा। अभी फिलहाल जो iOS का जो बिल्ड है आपको यहाँ पर जो है सिंपली ट्रांसफर करना होगा पोको फोन डिवाइस के ऊपर। सिंपली यहाँ पर जो यूएसबी केबल के साथ जो है कनेक्ट करते हैं, उसके बाद जो पीसी से iOS का जो बिल्ड है इसे ट्रांसफर करते हैं पोको फोन डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस रॉम को डाउनलोड कर सकते हो पोको फोन डिवाइस के लिए iOS को। एंड ये जो रॉम है तो GApps प्लस वैनिला दोनों बिल्ड में अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पर जो iOS को ट्रांसफर किया है पोको फोन डिवाइस के ऊपर। सिंपली यहाँ पर जो इंस्टॉल में जाने के बाद जिस भी फोल्डर में अपने इस रॉम को डाउनलोड किया है और जिस भी फोल्डर में अपने इस रॉम को ट्रांसफर किया है, उस फोल्डर में जाने के बाद जो है रॉम को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। यहाँ पर हमने जो है GApps बिल्ड को फ्लैश किया है, इसलिए आपको अलग से जो है GApps को फ्लैश नहीं करना होगा। तो यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है बाई डिफॉल्ट GApps अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है रॉम फ्लैश होने में लगभग 5 मिनट के आसपास टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पर जो रॉम फ्लैश हो गया है। रॉम फ्लैश होने के बाद सिंपली यहाँ पर जो है रिबूट टू सिस्टम का जो ऑप्शन है उस पर टैप करना होगा और सिंपली बैक आके थ्री डॉट में टैप करके यहाँ पर रिबूट में टैप करके यहाँ पर सिस्टम का जो ऑप्शन है इसमें टैप करना होगा। एंड यहाँ पर फास्ट बूट में लगभग 5 मिनट के आसपास टाइम लगता है। विद इन 5 मिनट ये जो iOS का जो बिल्ड है पोको फोन डिवाइस के ऊपर जो है बूट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर जो है रॉम जो है पर बूट हो गया है पोको फोन डिवाइस के ऊपर। सिंपली यहाँ पर जो है रॉम को यहाँ पर सेटअप करना होगा। तो जल्दी से यहाँ पर जो है रॉम को सेटअप करते हैं पोको फोन डिवाइस को। विद इन 5 मिनट स्किप करके नेक्स्ट करके आप जो है रॉम को सेटअप कर सकते हो। एंड बाय डिफॉल्ट iOS के साथ जो है ऐसे भी जो एप्लीकेशन है देने को मिलता है, ऐसे भी जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। देखिए पा रहे हो यहाँ पर कुछ इस तरह से UI देने को मिल गया है, काफी बढ़िया है। पर जो एज बिल्ड है तो iOS के साथ जो है अनऑफिशियल बिल्ड है पोको फोन डिवाइस के ऊपर। एंड यहाँ पर प्ले स्टोर भी अवेलेबल है क्योंकि हमने यहाँ पर जो GApps बिल्ड को फ्लैश किया है। कुछ इस तरह से यहाँ पर जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन को ऐड किया गया है एंड ये वाला जो बाय डिफॉल्ट जो कैमरा एप्लीकेशन से ऐड किया गया है। अगर आप चाहते हो पर गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हो। हमने रिसेंटली GCam 8.7 का जो रिव्यू वीडियो है शेयर किया है, सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखो। कुछ इस तरह से जो डायलर एप्लीकेशन को ऐड किया गया है, काफी स्मूथ एंड स्टेबल
एंड्रॉयड 13 का जो यूआई है देने को मिलेगा। बाकी अगर आपको iOS का फुल रिव्यू का जो वीडियो देखना है आप सिंपली पोकेफन का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखो। एंड यहाँ पर जो इस तरह से यूआई देने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें वॉल्यूम पैनल के बारे में कुछ इस तरह से जो वॉल्यूम पैनल को ऐड किया गया है काफी बढ़िया बात है। लॉक स्क्रीन यूआई की अगर बात करें iOS के साथ जो कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन यूआई को ऐड किया गया है पर फ्लैश लाइट का ऑप्शन है पर कैमरा का जो ऑप्शन से काम कर सके इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है सेटिंग्स मेनू के साथ कुछ इस तरह से यूआई है। यहाँ पर एज बिल्ड दोस्तों iOS 13.0 के साथ अनऑफिशियल बिल्ड है जी एप्स का बिल्ड हमने फ्लैश किया है। यहाँ पर 5 फरवरी का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है ऐड किया गया है। एंड कुछ इस तरह से एज बिल्डर्स तो जी एप्स प्लस वैनिला दोनों बिल्ड में अवेलेबल है। अगर आप वैनिला बिल्ड को फ्लैश करोगे तो आपको जो है जी एप्स मतलब प्ले स्टोर देने को नहीं मिलेगा। एंड जी एप्स बिल्ड के साथ जो है प्ले स्टोर अवेलेबल है। प्लस एज बिल्डर्स तो इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है इस रोम को फ्लैश करने के टाइम जो है सिंपली क्लीन फ्लैश करना होगा। प्लस यहाँ पर जो है सिस्टम के ऊपर जो है गेस्चर्स के ऊपर ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है। और जो है सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन यहाँ पर 3 बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन से काम कर दिया है पर 2 बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर स्वाइप 2 स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जिस बिल्ड के साथ जो है काफी स्मूथ एंड स्टेबल यूआई देने को मिलता है। नोटिफिकेशन के ऊपर जो है एनहांस नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, ब्रिंग लाइट का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है काफी बढ़िया बात है। प्लस यहाँ पर जो है बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया है। पर जो लो बैटरी लाइट का ऑप्शन है, बैटरी आइकन स्टाइल का ऑप्शन है, जो अलग अलग बैटरी स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हो, बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, बैटरी परसेंटेज व्हेन चार्जिंग का ऑप्शन है, इस तरह से इसे भी जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर भी डिफरेंट बैटरी स्टाइल को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर जो बैटरी बैकअप इस रोम के साथ काफी बढ़िया है। हमने यहाँ पर फुल रिव्यू वीडियो के ऊपर जो बैटरी बैकअप के बारे में जो है अलग से बात किया है। यहाँ पर पावर अप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है यहाँ पर वाइब्रेशन का जो ऑप्शन है, वाइब्रेशन हैप्टिक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। पर इनकॉल वाइब्रेशन के ऊपर वाइब्रेटन कनेक्ट, वाइब्रेटन कॉल वेटिंग, वाइब्रेटन डिसकनेक्ट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पर जो है नोटिफिकेशन वाइब्रेशन, रिंग वाइब्रेशन को डिसेबल करने का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है, शो वॉल्यूम पैनल ऑन लेफ्ट साइड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, ऑलवेज शो आइकन व्हेन इन वाइब्रेट मोड का ऑप्शन है, एमआई का जो साउंड एनहांसर है ऐड किया गया है, अलग अलग हेडफोन टाइप को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, अलग अलग प्रीसेट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है काफी बढ़िया बात है। एमआई का जो साउंड एनहांसर है काम कर जाएगा। यहाँ पर क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद स्पीकर में जो भी डस्ट रहेगा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा पोकेफन डिवाइस के साथ। यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस, लो ब्राइटनेस के ऊपर कोई भी इशू नहीं है। लॉक स्क्रीन के साथ जो टेक्स्ट को ऐड करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर डिसेबल पावर मैनुअल लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, रैपल एनिमेशन को डिसेबल करने का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो का ऑप्शन है। यहाँ पर पोकेफन डिवाइस के साथ अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज करोगे आपको जो यहाँ पर बैटरी ड्रेन देने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पोकेफन डिवाइस के ऊपर जो है एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। इसलिए यहाँ पर वेकअप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, जब भी आपके डिवाइस के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा ऑटोमेटिकली डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है इस तरह से, ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर डार्क थीम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर कस्टम थीम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पिच ब्लैक थीम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। पर फुल स्क्रीन ऐप्स का ऑप्शन है, वेकअप ऑन प्लग का ऑप्शन है, डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है सिंपली डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन से इसे एनेबल करने के बाद जो है यहाँ पर डबल टैप करते डिस्प्ले जो है ऑन हो जाएगा। वॉलपेपर कलर, बेसिक कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर थीम आइकन का ऑप्शन है, अपग्रेड का ऑप्शन है, सिस्टम आइकन पैक का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, डार्क मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के ऊपर जो है यहाँ पर वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। पर जो ऑडियो एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर फेस अनलॉक का जो ऑप्शन से अवेलेबल नहीं है, पर फिंगरप्रिंट प्लस ऐप लॉक का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। हमने पर जो फिंगरप्रिंट को ट्राई करके देखा है पर फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, बट यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है फेस अनलॉक का जो ऑप्शन से फिलहाल ऐड नहीं किया गया है। प्राइवेसी लोकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड सिस्टम के ऊपर जो है इसी ऑप्शन को ऐड किया गया है, क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, आप सिंपली पावर बटन को डबल बार प्रेस करके आप जो है कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है सिस्टम नेविगेशन के ऊपर जो 2 बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, गेस्चर्स नेविगेशन प्लस 3 बटन नेविगेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड
यहाँ पर जो है वन हैंडेड मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है नेविगेशन बार में स्वाइप डाउन करके जो है वन हैंडेड मोड को एनेबल कर पाओगे। यहाँ पर वन हैंडेड मोड का जो शॉर्टकट है ऐड किया गया है शो नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर क्विक टॉर्च का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है पावर बटन को डबल बार प्रेस करके आप जो है कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। अगर आप जल्दी से यहाँ पर क्विक टॉर्च का जो ऑप्शन है इसके साथ जो फ्लैश लाइट को एनेबल कर पाओगे। प्रेस एंड होल्ड पावर बटन टू एनेबल असिस्टेंट का ऑप्शन है। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, आप सिंपली गेस्चर्स के साथ जो स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर क्विक सेटिंग्स, क्विक पुल डाउन का ऑप्शन है, एडवांस रिबूट का ऑप्शन है, प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पर जो है आप सिंपली रिकवरी बूटलोडर प्लस सिस्टम यूआई को रिबूट कर सकते हो। यहाँ पर प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन है, आप सिंपली वॉल्यूम बटन के साथ जो है गानों को स्किप कर सकते हो। वॉल्यूम वेकअप का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एनीवे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। पोको F1 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अलग अलग कस्टम रॉम का जो वीडियो है उसे आप चेकआउट करके देखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।